बहुत सा ऐसा प्रदेश है वहाँ के कल्चर को हम लोग एडॉप्ट करेंगे, जैसे पहाड़ी से घिरा हुआ हमारा जिला है, सुखाड़ से घिरा है, कृषि के मामले में, नौजवानों के मामले में, शिक्षा के मामले में, जो अन्य प्रदेशों के कार्यशाला में बताया जाएगा, हम लोग औरंगाबाद में आकर उसको एडॉप्ट करेंगे। हर जिले से जनप्रतिनिधि भाग लेंगे और उन लोग का कल्चर क्या है, कैसे सामाजिक विकास हो, कैसे लोगों को उत्थान हो, इसके लिए वहाँ पर एक कार्यशाला किया गया है और हम लोग का बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा और हम प्रयास करेंगे कि वो सब चीज़ हम अपने यहाँ लागू करने का काम करेंगे। दूसरे स्टेट को मेहमानबाजी कर रहे हैं ताकि यहाँ पे भी कल्चर को दूसरे स्टेट में एक मैसेज दिया जाए, यानी बिहार में भी हमारा इस तरह का काम हो रहा है। जो सामाजिक जिम्मेवारी है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों को जिम्मेवारी प्राप्त दिया गया है, उस जिम्मेवारी को क्या निर्वहन करने के लिए हम लोगों को वहाँ पर सोशल जस्टिस के क्षेत्र में, सतत विकास के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार, आप सिटी ओग न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ चित्रंजन कुमार। देखिए अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के जिला परिषद के में, जहां बिहार के पटना के ज्ञान भवन में बिहार के ही नहीं पूरे देश के जनप्रतिनिधियों का एक जमावड़ा हो रहा है, जहाँ ज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित होगी, वह 3 दिवसीय होगी। औरंगाबाद से 14 जनप्रतिनिधि व पदाधिकारियों का चयन हुआ है उस कार्यशाला के लिए, जो 3 दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए औरंगाबाद से रवाना हो रहे हैं। तो हमारे साथ अभी बात करने के लिए हैं जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम है। सर, 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में आप लोग जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? हम लोग वहाँ कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं, कार्यशाला में हम लोग को जो बताया जाएगा उसी के अनुसार हम लोग जिला के विकास के लिए कार्य करेंगे। कितने दिनों पहले जानकारी मिल गई थी हम लोग के? तो इसका जानकारी लगभग 15 दिन पहले मिला था। एक चीज़ सर, 14 लोगों का चयन पूरे औरंगाबाद ज़िले में हुआ है, जिसमें पदाधिकारी भी शामिल हैं और जनप्रतिनिधि आप लोग ज़्यादा संख्या में हैं, ये 14 लोगों का चयन सर कैसे हुआ? हम लोग तो जिला परिषद के बारे में ही बताएंगे ना, बाकी और लोग को चयन कैसे किए हैं ये तो पदाधिकारी। 14 लोगों का ही चयन सर औरंगाबाद जिले से हुआ है, पटना के ज्ञान भवन में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन है और पूरे देश से जनप्रतिनिधि जो हैं वहाँ पहुँचेंगे। देखिए, सवाल 14 का नहीं है, सवाल ये है कि देश में जो सतत विकास का जो लक्ष्य है, थीम 7 में आता है सोशल जस्टिस एंड सोशल सिक्योर्ड, और उसी पर राष्ट्रीय कार्यशाला पटना में आयोजित है, जिसमें देश भर के पंचायत प्रतिनिधि, देश भर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और सतत विकास के लक्ष्यों को हम कैसे हासिल कर सकते हैं और उसमें कितना हम बेहतर कर सकते हैं बिहार में और देश में, समाज में सोशल जस्टिस और सोशल सिक्योर्ड, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा, दोनों चीज़ों पर हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पर देश भर के निर्वाचित प्रतिनिधियों का अनुभव और उनकी द्वारा जो किए गए कार्य हैं इस क्षेत्र में सोशल सिक्योर्ड और सोशल जस्टिस के बारे में, उस पर विस्तार से चर्चा होगी और एक नए अनुभव के साथ एक नई शुरुआत हम लोग औरंगाबाद में भी करेंगे। और जहाँ तक सिलेक्शन का सवाल है, तो जो सभी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, अब इसमें से 14 लोगों को जाना था, पंचायत के मुखिया जी लोग हैं, जिला परिषद के माननीय सदस्य लोग हैं, प्रखंड प्रमुख लोग हैं, जिला पंचायती राज पदाधिकारी हैं, विभिन्न पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि, सभी लोगों को जो सामाजिक जिम्मेवारी है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों को जिम्मेवारी प्राप्त दिया गया है, उस जिम्मेवारी को क्या निर्वहन करने के लिए हम लोगों को वहाँ पर सोशल जस्टिस के क्षेत्र में, सतत विकास के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। आपका काफ़ी अनुभव रहा है जनप्रतिनिधि के तौर पर, लगभग 20 साल से आप अपने पंचायत का सेवा दे रहे हैं और आपका चयन जो है वो 8 बार इस तरह के कार्यशाला में या कार्यक्रमों में हुआ है, कैसा अनुभव रहा है आप लोगों को? सबसे पहले बधाई आपको, आज हम लोग राष्ट्रीय कार्यशाला में जो जा रहे हैं, हम लोग पूरे देश के, सबसे पहले तो खुशी की बात है कि मेरा बिहार पूरे देश के प्रतिनिधित्व कर रहा है, मेरा बिहार और पूरे देश के प्रतिनिधियों को बिहार में बुलाकर बिहार के प्रतिनिधियों को पूरे देश के एक संदेश देना चाहते हैं, एक दिशा देना चाहते हैं कि विकास कैसे हो। तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे पहले जब हम लोग कार्यशाला में जाएंगे तो सभी प्रदेशों से जो प्रतिनिधि आएंगे वहां के कल्चर के बारे में बताएंगे और यहां के कल्चर के बारे में उन लोग जानेंगे। तो हमारा औरंगाबाद जिला का जो कल्चर है,
बहुत सा ऐसा प्रदेश है वहाँ के कल्चर को हम लोग एडॉप्ट करेंगे, जैसे पहाड़ी से घिरा हुआ हमारा जिला है, सुखाड़ से घिरा है, कृषि के मामले में, नौजवानों के मामले में, शिक्षा के मामले में, जो अन्य प्रदेशों के कार्यशाला में बताया जाएगा, हम लोग औरंगाबाद में आकर उसको एडॉप्ट करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ जो अन्य प्रदेशों के जो वहाँ का कल्चर होगा औरंगाबाद में डेवलप करेंगे। और हम लोग 3 दिवसीय जो कार्यशाला में जा रहे हैं, मैं सरकार को पुनः बधाई देते हुए यह बताना चाहते हैं कि कार्यशाला होनी चाहिए, कार्यशाला होने से अनुभव की प्राप्ति होती है, कार्यशाला होने से बहुत सा चीज़ हम लोग के द्वारा या और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो शेयर होता है आपस में वह बहुमूल्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप भी उस कार्यशाला में भाग लेने जा रही हैं, क्या कुछ जिम्मेवारी आपकी? मेरी जिम्मेदारी यही है कि जो भी महिला जनप्रतिनिधि हम मेरे साथ रहेंगी या वहाँ जो भी रहेंगी और उनके साथ जो भी समस्याएं होंगी, तो खास करके महिलाओं के साथ विशेष करके समस्याएं होती है, तो मुझे उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके उनको रहने सहने में कोई दिक्कत ना आए, ये सारी जिम्मेदारियां को मुझे निर्वाहन करना है। जिला प्रशासन ने आपको नियुक्त किया है? जी। तो देखिए, ये थे औरंगाबाद के जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी जो पटना में आयोजित होने वाले पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यशाला में जो 3 दिवसीय आयोजित है और उसमें शामिल होने जा रहे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति नहीं, ये जनप्रतिनिधि हैं, मदनपुर के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि, हाँ पंकज जी, उनसे भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका भी नाम जो है, अपनी पत्नी का नाम जो है, वह उसमें शामिल है, आप भी कार्यशाला में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कुछ वहाँ से लेकर के आइएगा? देखिए, बहुत ही गौरवान्वित क्षण है कि आज इस तरह के कार्यशाला में हमारे भी प्रखंड के प्रमुख को मैंने वहाँ पे जाना सुनिश्चित हुआ है। और इससे हम लोगों का मतलब जी किस सारे देश में हर जिले से जनप्रतिनिधि भाग लेंगे और उन लोग का कल्चर क्या है, कैसे सामाजिक विकास हो, कैसे लोगों को उत्थान हो, इसके लिए वहाँ पे एक कार्यशाला किया गया है और हम लोग का बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा और हम प्रयास करेंगे कि वो सब चीज़ हम अपने यहाँ लागू करने का काम करेंगे। धन्यवाद। प्रियांशु जी हैं, पदाधिकारी हैं, ये भी साथ जा रहे हैं कार्यशाला में भाग लेने के लिए, क्या कुछ कार्यशाला में सरकारी क्रम? सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत टोटल 9 थीम है, 9 थीम में से 7वां थीम है सोशली जस्टिस एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत। इस विषय पर पूरे देश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ जो पदाधिकारी हैं हर स्टेट पर पंचायती राज विभाग से, साथ ही मंत्रालय पंचायती राज से हमारे केंद्रीय मंत्री श्री ललन बाबू वो भी आ रहे हैं, तो उस तरह से ये हर स्टेट में धीरे धीरे हर थीम पर कार्यशाला आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ इससे क्या होता है, जानकारी आदान प्रदान होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कुछ कल्चर ऐसा है जो हम लोग दूसरे स्टेट से सीखते हैं, साथ ही साथ हम लोग भी अपने यहाँ एक तरीके से मेहमान की तरह दूसरे स्टेट को मेहमानबाजी कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे भी कल्चर को दूसरे स्टेट में ये एक मैसेज दिया जाए कि नहीं, बिहार में भी हमारा इस तरह का काम हो रहा है और जो भी कमी बेसी रहेगा उसको औरंगाबाद जिला में मिलकर सभी पदाधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि जितने भी यहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हम लोग जाकर यहाँ पे उसको अडॉप्ट करेंगे और नीचे ग्राउंड लेवल पे सभी जगह पे लागू करेंगे उस चीज़ को। देखिए, औरंगाबाद से 14 जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी जो हैं वह पटना के ज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए रवाना हो रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो हमारी संस्कृति है और बाहरी की संस्कृति है उसे हम लोग लेंगे और हमारी जो संस्कृति है उन लोगों को देंगे, कार्यशाला में सीख करके आएंगे, उसे धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।